स्वागत है दोस्तों आपका मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेश वीडियो में। मेरा नाम है नीरव एंड ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर के बारे में, जिसे लोग नंबर चेक करने वाले मशीन के नाम से भी जानते हैं। तो आशा रखता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइफ में कभी ना कभी तो ऑटो रिफ्रैक्टर मशीन में आंख के नंबर चेक करवाए होगी। अगर नंबर चेक नहीं करवाया है तो ये मशीन को देखा तो जरूर से होगा। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि इतना छोटा मशीन इतनी एक्यूरेसी से और इतने कम समय में कैसे बता देता है कि आपको ये नंबर के चश्मे की जरूरत है। दोस्तों यही टॉपिक पे वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये मशीन की जो टेक्नोलॉजी है वो हर एक मैन्युफैक्चरर वाइज चेंज होती रहती है, लेकिन इसके अंदर जो तीन मेजर कंपोनेंट्स है वो कभी चेंज नहीं होते हैं और ये तीन कंपोनेंट्स की वजह से ये मशीन काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं तीन कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहला कंपोनेंट है आईआर लाइट, इंफ्रारेड लाइट। यहाँ पे दोस्तों कोई और लाइट यूज हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे आईआर लाइट इसलिए यूज होती है क्योंकि आईआर लाइट का स्कैटरिंग रेशियो बहुत ही कम होता है। उसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट है वो है टारगेट। जैसे ही आप उस मशीन के ऊपर सिर रखते हो आपको वहां पे एक टारगेट दिखाई देता है, वही टारगेट की यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो कंपोनेंट है वो है लेंस। दोस्तों ये जो तीन कंपोनेंट्स है उसकी वजह से ही ये मशीन अच्छे से काम करता है। दोस्तों मैंने आपको बताया कंपोनेंट्स कौन कौन से है, तो अब बात करते हैं कि ये मशीन ये तीन कंपोनेंट्स की वजह से कैसे काम करता है। दोस्तों जैसे ही आप मशीन के ऊपर सिर रखते हो आपको वहां पे एक टारगेट दिखेगा। जैसे ही आपको वो टारगेट दिखेगा आपकी आंख में जाएगा आईआर इंफ्रारेड लाइट। दोस्तों आप वो जो टारगेट को देख रहे हो उसकी इमेज जनरेट हो रही है आंख के अंदर। जैसे ही आईआर आंख के अंदर जाएगा वहां से एक रिफ्लेक्शन जो है वो मशीन के अंदर जाएगा, तो वो रिफ्लेक्शन जो होता है वो आप जो देख रहे हो उसका ही रिफ्लेक्शन होता है। तो दोस्तों जो मशीन में जाता है वहां पे लगा हुआ होता है एक लाइट सेंसर जो इमेज को जनरेट करता है। अगर वो इमेज एंड मेन टारगेट की इमेज जो है वो जो दोनों इमेज है वो सेम होती है तो वहां पे कोई भी इश्यू नहीं है। इसका मतलब ये निकलता है कि आपकी आंख में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो जो दो इमेज है वो सेम नहीं होती है उस केस में फिर काम करता है लेंस। वो लेंस जो है वो मूव करता है, वहां पे वो मूवमेंट होगी एनालॉग। तो वो मूव करेगा, जब वो जो दो इमेज सेम हो जाएगी उस स्टेज में वो लेंस रुक जाएगा, फिर वो कैप्चर करेगा एनालॉग डिस्टेंस और वही डिस्टेंस को वो कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में और वहां से निकल के आती है एक प्रिंट जिसपे लिखा हुआ होता है कि ये जो है आंख के अंदर इतने नंबर है। दोस्तों ये जो मशीन है कुछ इस तरह से काम करता है। मैंने पहले ही आपको बताया दोस्तों कि हर एक मैन्युफैक्चरर की कुछ अलग टेक्निक्स होती है, लेकिन ये जो तीन कंपोनेंट्स है वो हमेशा सेम रहते हैं। यहाँ पे अभी मैंने कोई ऐसा मशीन नहीं दिखाया जिसमें कोई और टाइप की लाइट हो, सभी लोग आईआर लाइट ही यूज करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि ऑटो रिफ्रैक्टर मशीन जिसकी मदद से हम आंख के नंबर चेक कर पाते हैं उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स है और ये जो मशीन है वो कैसे काम करता है। दोस्तों बस ये वीडियो में इतना ही। आशा रखता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो भी सीख सके ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर कैसे काम करता है, आंख के नंबर इतने जल्दी कैसे पता चल जाते हैं। दोस्तों अभी शेयर कीजिए वीडियो को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। आप ये वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड करने के बाद शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। ऐसे ही फ्रेश कंटेंट के साथ जल्दी से ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।